अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। हैदराबाद में जो रेप पीड़िता के आरोपी है उनको मार दिया गया, क्या लगता है न्याय मिला? सर अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो एनकाउंटर किया गया है पुलिस के तहत, कहा जा रहा है कि वो उन्होंने वो भागने की कोशिश की तब जाके उनका एनकाउंटर किया गया। अगर इस तरीके की बात है तो सही है, ये होना ही चाहिए क्योंकि उनको उनके गुनाहों का सजा मिलना चाहिए। सर अगर इनकाउंटर हुआ है, सच में हुआ है, तो फिर बहुत सही बात है, क्योंकि अगर जैसे निर्भया का केस ले लीजिए आप, तो उसमें इनकाउंटर अभी 5-7 साल चल रहा है केस, कुछ हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इनकाउंटर हो गया कि हाँ ये न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ कि हम वो आरोपी मर तो गए एटलीस्ट, तो अगर सर न्याय तो नहीं मिल रहा है लेकिन ठीक है, अगर इनकाउंटर हो गया है तो सही है। अभी एक दीदी ने बोला कि साउथ इंडिया का सीन पूरा बनाया गया कि मूवीज में ऐसा होता है, वो फरारी भाग जाते हैं पूरा, मतलब चोर पुलिस करके भाग जाते हैं, इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो अगर सही हुआ है तो सही है सर, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं, कर कुछ कर ही नहीं सकते। और गांव में भी एक बेटी साथ हुआ है। यस सर। क्या सर, हर जगह कुछ न आए दिन कुछ ना कुछ सुनने के मिलता है। उन्नाव में हुआ, अभी उसके चाचा को मार दिया गया तो उसके ऊपर सर तुरंत हमको इनकाउंटर नहीं, लेकिन हाँ सर फास्ट ट्रैक में कोर्ट में जाना चाहिए केस ये सारी, और अगर हुआ है तो उन लोगों को भी फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए। इनकाउंटर अब ये लोग दिखा रहे हैं कि हाँ साउथ इंडियन की तरह हुआ है पूरा केस, ये सब पूरा मूवीज में जो होता है भाग रही है पुलिस इनकाउंटर कर देती है। और अभी आप एक दीदी ने बोला कि मीडिया में आपने उसका विक्टिम का दिखाया फेस पूरा, और यहाँ पे आप आरोपी का नहीं दिखा रहे हो कि हाँ मर गए वो लोग, ये तो गलत है ना, दिखाना चाहिए जैसे आपने सबका वो दिखाया विक्टिम का कि हाँ इसने ऐसा हुआ है। नो, इसके लिए न्याय नहीं मिला है। जैसे उसको जलाया गया है एटलीस्ट वैसे ही उन लोगों के साथ भी करना चाहिए था, और जैसे वहाँ पर हो रहा है यहाँ पर भी बहुत सारे शहरों में वैसा ही हो सकता है। तो हमारे यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जैसा उन लोगों के साथ किया जा रहा है वैसा ही बिहेव करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आरोपियों को जो मारा गया है, इनकाउंटर किया गया है, ये सही है एक तरीके से लिए, अगर तात्कालिक रूप से देखा जाए तो सही है, लेकिन हमें आगे चलने के लिए इसके लिए ठोस कानून चाहिए कि इसका जो इम्प्लीमेंट हो वो सही तरीके से हो। और ऐसा भी नहीं है कि कानून बन जाए फिर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, क्योंकि हर जगह हर बार यही देखा जाता है कि हमने सख्त कानून बना दिए लेकिन उसका कोई पालन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर वो ब्रूटल तरीके से मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, तो जो भी करते हैं, तो उनका इस तरीके से उनके साथ भी ब्रूटल ही हो, वो सहानुभूति ना दिखाई जाए उन्हें कि ये नाबालिग हैं या इनका मन मचल गया या ये दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं, क्योंकि उन्हें वकील की सुविधा प्राप्त है तो उन्हें ये भी दिखा सकते हैं कि ये विक्षिप्त हैं, और विक्षिप्तों को यहाँ दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो नहीं, उनके साथ वो लचीलापन नहीं बरतना चाहिए, उनके साथ लचीलापन नहीं बरतना चाहिए, उनके साथ भी हमें उतना ही सख्त होना पड़ेगा।